युवराज का मुहूर्त है, क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर, आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे? जैसे कि ज़्यादा बोलते ना, कुछ चैलेंजिंग रोल के लिए मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है कि आप चैलेंजिंग रोल्स करती हैं, बट इस बार साम्राज्य में एक नॉर्मल लड़की का किरदार प्ले कर रही हूँ, क्योंकि रतन राह जी के साथ मेरी ये फर्स्ट टाइम मैं फिल्म कर रही हूँ और आज मुहूर्त किया है उन्होंने, और साल का पहला मुहूर्त है आई थिंक। मैंने इससे पहले अभी मेरे ख्याल से 2017 में मैंने कोई भी फिल्म का मुहूर्त या शूट नहीं किया है अभी तक। वेट कर रही थी कोई अच्छी स्टोरी या कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा तो करूँगी, तो साम्राज्य उसमें से एक है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, और रतन राह जी ने इससे पहले भी रानी जी को लेके एक फिल्म डायरेक्ट की थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ अभी रतन राह जी ने इतना अच्छा फिल्म की स्टोरी मुझे दी है। ये प्रॉपर वो स्टोरी है जो हमेशा भोजपुरी ऑडियंस अप्रिशिएट करती है, देखना पसंद करती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते, हमारी इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है, क्योंकि ऑडियंस जो बिहार बहुत दूर से आते हैं तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो नॉर्मल सब्जेक्ट है, लव स्टोरी है, तीन भाइयों की कहानी है, बस उसी तरीके की। इसमें नहीं, इस बार मुझे नहीं मिला, मैं वही कह रही हूँ कि इस बार मुझे, मेरे लिए ना सिंपल लड़की प्ले करना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, उसके जैसे सब लोग कहते हैं कि जैसे मैंने इससे पहले दीवाने में गूंगी लड़की का कैरेक्टर प्ले किया था, नगीना में मैंने नेगेटिव रोल किया था जो अधिकतर कोई जल्दी एक्ट्रेसेस एक्सेप्ट नहीं करती नेगेटिव रोल करना, मैंने वो भी किया है, तो मैंने हर बार अलग अलग, कैसे पहले मैंने दारू भी बेचा है सहनसा में, तो वो मेरा काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ रहता है हमेशा, तो इसमें मुझे बहुत सिंपल रोल दिया, लेकिन सिंपल रोल मेरे लिए करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे चैलेंजिंग रोल करने के बाद कोई सिंपल रोल देता है ना, बोलते प्रियंका जरा स्माइल कीजिए, तो ऐसे स्माइल भी नहीं होता मुझसे, तो ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। हाँ, ये कह सकते हैं कि भैया कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। नहीं, नाम बोलिए, अब बताइए ना, आप ही बताइए एक बार। नहीं, आइए, ये मैं बताती हूँ आपको, एक बंदे से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, आइए। ये वो बंदा है जिन्होंने कसम खा के रखी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की सारी हीरोइनों को ये बिना खिलाए पिलाए मार देने वाले हैं, और इसका पहला असर मुझ पे हुआ है, क्योंकि एक दिन मैंने इनका न्यूज़ यूट्यूब पे देख लिया था, काफ़ी सारे हीरोइनों के फ़ोटोज़ आ रहे थे, भोजपुरी हीरोइनें तो शुरुआत में आती हैं तो बहुत पतली होती हैं, बाद में ऐसी हो जाती हैं, मानो उस पर मेरा भी कई छोटा सा फ़ोटो दिखा था, मानो मुझे तो ऐसा लगा कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई, बस ये बंदे का न्यूज़ देखा, और एटलीस्ट मैंने 4 महीने में 10 kg तो मैंने रिड्यूस कर ही दी। नहीं, हमारे दर्शक हमको इतना प्यार करते हैं ना कि उनके प्यार में हम फूल जाते हैं, इट्स नॉट कि हम खाना बहुत खाते हैं, हमारे भोजपुरी ऑडियंस हमको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। नहीं, हमारी ऑडियंस हमको कहती है कि जितने भी ऑडियंस हैं हमारे, हम लोग कहते हैं प्रियंका मैडम आप पतली मत रहिए, आप लोग खाया पिए तंदुरुस्त रहिए। तो फिटनेस बहुत जरूरी होता है, तो आप फिटनेस के लिए आपने 10 किलो वजन कम किया। हाँ, मैं हाँ, तो आप मैसेज क्या देना चाहिए भोजपुरी? नहीं, ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से अब जोक्स बनने लग गए हैं हीरोइनों के वेट पे, तो अब तो बनता है कि भैया ऑडियंस का प्यार थोड़ी देर साइड में रख के फिटनेस पे भी ध्यान दे देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मायने रखता क्या है। क्या मिस किया आपने इन दिनों, चार महीने दिन खाने में? मैं सब खाती हूँ, मैं पहले भी पिज्ज़ा, देखो अगर मैं नहीं डाइटिंग करूँगी तो मेरा पिज़्ज़ा बर्गर सब बुरा मान जाएगा, तो मैं वो भी खाती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा वर्कआउट भी करती हूँ, तो आप मेरे इससे पहले भी इंटरव्यूज़ देखेंगे तो मेरे काफ़ी वेट गेन हो चुका था तबीयत ख़राब होने की वजह से, बट उसके बाद धीरे धीरे टाइम लगता है ना वेट रिड्यूस करने में, और फाइनली 8-10 किलो। जैसे कि बॉलीवुड में फिटनेस वेमेंस लोग हैं, चाहे वो मलाइका अरोड़ा हो, या कोई भी, वीडियो लेकर आते, तो आप अपने वीडियो लेकर आए अभी वो प्लेटफॉर्म भोजपुरी एक्ट्रेसेस को नहीं मिला है, लेकिन अगर मिला कभी तो मैं तो लाऊंगी, मेरे अलावा और भी एक्ट्रेसेस हैं। देखो हमारी एक्ट्रेसेस, बहुत सारे एक्ट्रेसेस जो जिम करती हैं, योगास करती हैं, मैं चाहती हूँ अगर हमारे पास ऐसा कोई फाइनेंसर वगैरह आए तो हम 2-3 एक्ट्रेसेस मिलके कर सकते हैं। रतन जी के लिए मैं इतना कहूँगा कि वो बहुत ही मेहनती, और मैं इनको कम से कम 15 साल से जानता हूँ, और असिस्टेंट जब ये थे तब भी उन्होंने बहुत ही मेहनत लगन से काम करते थे, और मैं बहुत खुश होता हूँ जब इन्होंने डायरेक्ट पहली फिल्म की और मुझे याद किया और मैं इनके साथ काम किया, और बहुत ही सच्चे अच्छे इंसान हैं, अच्छा टेक्नीशियन है, और ऐसे डायरेक्टर का आना बहुत ज़रूरी है,
सभी डायरेक्टर मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, क्या बोलूँ, लेकिन इतना कहूँगा अच्छे डायरेक्टर आते हैं तो अच्छी फिल्म बनती है। जैसे रतन जी बहुत ही साफ सुथरी फिल्म बनाती हैं, ऐसा नहीं कि आप उनसे भजन ही करेंगे उसमें, उनकी फिल्म में हर चीज़ होती है, इंटरटेन होते, डांस होते, गाने होते, लेकिन वो जुड़ा होता है कहानी के साथ। और रतन जी आज की उनकी मुहूर्त था और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं विरार फिर मड में पवन जी का शूटिंग चल रहा है, वहाँ से मैं इनको सिर्फ विश करने आया हूँ और मुझे आना ही था। और खुश हूँ, इसमें प्रियंका है और रानी जी हैं जो मेरे दोनों बेटियाँ हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि इस फिल्म को मुझे उन्होंने दिया है, और करने के लिए मैं कोशिश करूँगा, बहुत अच्छा करूँगा। और रतन जी के लिए जितना बोलूँ कम है, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर है। थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूँगी मास्टर जी के बारे में, ये मेरे पहले डांस मास्टर हैं जिन्होंने मुझे भोजपुरी में डांस करना सिखाया। जीना तेरी गली में मेरी पहली फिल्म थी, जब मैं लॉन्च हुई थी तो मेरा पहला गाना कर रहे थे, मुझे ठुमका मारना भी नहीं आता, मैं ऑफ बीट ठुमका मार दी थी। तो मेरे डायरेक्टर थे, तुम क्या करोगी, तुम कैसे करोगी, ऐसे तुमको डांस आएगा? लेकिन जो मास्टर जी ने मुझे कोऑपरेट किया है, और उस जो गाने में डांस नहीं कर पा रही थी, और वही गाना सबसे बड़ा हिट था, मेरे पहले डांस मास्टर। अरे उसको नचवाने, अभी तो इतनी ट्रेंड है, आप कोई भी मोमेंट दो, कभी ना नहीं होता। ऊपर से इनके इतनी सजेशंस होते हैं अच्छे, जो अच्छा लगता है हम लोगों को, हम टेक्नीशियनों को। और बहुत मेहनती लड़की है, उस वक्त भी थी, आज भी, अब तो बहुत ही मज गई, बहुत अच्छी अब काम करती है, एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है, और है भी नेचर की बहुत प्यारी है। और मुझे काम करने का मौका मिल रहा है रतन जी के साथ में, थैंक यू रतन जी। एंड सम्राट राज मैं चाहती हूँ वेरी हिट फिल्म जाए, और दादा हैं सबके साथ में काम करने का मुझे मौका मिला, धन्यवाद। हाँ फिलहाल तो पता नहीं चला, बस रतन जी हैं, उन्होंने बोले कोई जो भी काम है अच्छे काम है, और मैं चाहूँगी दिल लगा के काम करो, आगे भी आप लोगों के साथ में मेरी जो भी फिल्म आए अच्छे से, आप लोगों की दुआ आशीर्वाद बने रहे, काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हम सारे गीत हमारे हैं, इंदु सोनाली, कमलेश चौरसिया जी प्रोड्यूसर, रतन राह डायरेक्टर, और दीपक भाटिया जी हैं, सारे लोग हैं। बहुत अच्छी फिल्म, बहुत खूबसूरत फिल्म है। गीत के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह के गीत आपने? गीत सर आज के माहौल जैसा है, साफ सुथरा गीत है, गीत में कोई मतलब लेकिन नहीं। आप गाएंगे दो लाइन। दिल रोएला हो रोएला प्यार में तुहरे, दिल रोएला हो रोएला प्यार में तुहरे, का कमी बागोरी प्यार में हमरे, दिल रोएला। थैंक यू सर। मेरा नाम संतोष चौबे और बाबा, मैं गायक हूँ, और इसमें भी मेरा लीड का काम मिला है। कौन सा गाना आप गाने वाले हैं? और दो सर, मेरा नाम कमलेश चौरसिया, मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ। मेरा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिन से विचार था, आज जो कि पब्लिक का आशीर्वाद और आप लोग का आशीर्वाद है, तो मैं यहाँ तक आके खड़ा हुआ हूँ। फिल्म में हीरोइन रानी चटर्जी, प्रियंका पंडित, हीरो के रूप में संतोष बाबा जी, विशाल मौर्या, प्लस कमलेश चौरसिया और प्रोड्यूसर जो खुद हैं इसमें। देखिए हम कहानी बहुत अच्छी लाए हैं, जो कि इंडस्ट्री से हट के है और नई है। मुझे आशा और विश्वास है कि पब्लिक को ज़रूर पसंद आएगा। कब तक शूट में जाएगी ये फिल्म? ये फिल्म शूटिंग पे जाएगी 1 अप्रैल से, अंदाजा मेरा कहना यही है, फिर ऊपर वाले की मेहरबानी। देखिए रानी चटर्जी का आज कुछ काम था इसके लिए वो नहीं आ सकी हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद है, उनका फोटो है, यही सबसे बड़ी बात है। प्रियंका और रानी चटर्जी को लेने का क्या मकसद था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो देखिए फिल्म की महान हीरोइन है, उनके वजह मतलब उनको लेने से अपना मतलब इंडस्ट्री में घुसने का एक चांस हो जाता, क्योंकि हम लोग नए नए हैं, सबसे बड़ा अहम पॉइंट। और दूसरा देखिए इसमें रतन राह जी निर्देशक हैं, और म्यूजिक दामोदर राव जी हैं, लेखक शैलेंद्र गौड़, गीतकार शैलेंद्र गौड़, जो भी है तो अपने। मैं संतोष चौबे बाबा, इसमें सम्राज की पिक्चर में जमा को लोड मिला है, इसका प्रोड्यूसर कमलेश चौरसिया जी, नीलेश सिंह जी, और राइटर रमेश राज मौर्या जी, डायरेक्टर रतन राह जी, म्यूजिक डायरेक्टर दामोदर राव जी, इनको सबके साथ थे। हम करेंगे जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और हमारे भजबुलिया भैया लोग को सबको पसंद आएगा। फिर अभी तो कहानी ओपन नहीं किया जा रहा सर, तो देखेंगे। थैंक यू।
सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो भी आए हैं सभी भाइयों का धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे प्रोड्यूसर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा और जितने भी मुख्य हमारे कलाकार जो कि मार्केट से काम कर रहे हैं, प्रियंका जी हो गई और रानी जी हो गई, दीपक जी हो गए, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। किस तरह का रोल है आपका इस फिल्म में? कुछ सर, इसमें एक मेरा जो तीन हीरो की कहानी है, आपका रोल क्या? मेरा सबसे नीचे का रोल है, तीसरे हीरो का रोल है और बहुत अच्छा रोल है। क्या रोल कर रहे हैं मतलब, वही जाना सर, एक हम ओपन नहीं कर सकते कहानी को। इसमें आपके दो और दो हीरो क्या कहना चाहोगे? रानी चटर्जी और प्रियंका जी है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनके साथ आप रोमांस करेंगे फिल्म में? नहीं सर, जो सीन है वो तो करेंगे। कैसा लग रहा है रानी जी के साथ काम? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा डब्ल्यू फिल्म है, पहली फिल्म है। सभी को मेरे तरफ से, मेरा नाम रतन राहा डायरेक्टर, मैं रानी जी को लेके, इससे पहले रानी चटर्जी को लेके एक फिल्म किया था इंस्पेक्टर चांदनी, और दूसरी एक फिल्म किया था वीडियो साहेब। ये हमारे अब ये साम्राज्य कर रहा हूँ, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है और इस पिक्चर में गाने सारे अच्छे ढंग से, नए ढंग से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और कहानी बहुत बेहतरीन है। तीन भाइयों की कहानी है इसमें और एक भाई चले जाते हैं बिहार से सीधा यूपी, सॉरी बिहार से जाते हैं सऊदी अरब, एंड एक भाई बीच वाला भाई जो है वो मुंबई आ जाते हैं कमाने के लिए, और छोटा वाला भाई गांव में ही रहते हैं, वो पढ़ाई करता है। सऊदीया दिखाने वाले हैं क्या? फिल्म के दो हीरोइन हैं, रानी चटर्जी एंड प्रियंका पंडित, और दीपक जी हैं हमारे साथ विलन में। पिक्चर की अभी तो पूरा हम फाइनली नहीं बता सकते हैं कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये फिल्म जब थिएटर में लगेगी आप लोगों को पसंद आएगी और हमारा काम आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद, थैंक यू। आप जा कहाँ रहे हैं? सर एक्शन बोलिए ना। एक्शन, हाँ पूछिए भाई, सब किसी को सब ले नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे स्वराज फिल्म का मुहूर्त और आप आए हैं, किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी वैलेंटाइन वीक, और आपको खासकर। रतन सर के साथ इनको डेट कर रहे हैं, इनके साथ अगली फिल्म करनी है। आप किसी को ना किसी को डेट कर रहे हैं? आप बहुत डेट कराते हो मुझे, बहुत बचते रहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ। नहीं ये एक्चुअली आप लोग सीक्रेट है, आप लोग खबर लगाओ किसको डेट कर रहा हूँ। चार दिन बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, और फिलहाल हम आए हैं साम्राज्य के सेट पर, साम्राज्य के मुहूर्त पर। तो साम्राज्य से जुड़े सभी लोगों को, सभी टेक्नीशियन, एक्टर, हमारे रतन सर, सब लोगों को वेरी सारी शुभकामनाएं, गुड विशेस, खूब अच्छी फिल्म बने, खूब सक्सेस करे और काफ़ी सारे ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड्स तोड़े। तो बस और कुछ, लेकिन आपकी खबरें बहुत आती रहती है भोजपुरी के, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ खबर आवा था तो नहीं बतावा हमारा के पहले तू के सौगात के खबर मोहब्बत के सौगात। अभी ट्रेलर रिलीज भइल यूट्यूब पे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस बा, और मे भी होली के बाद मार्च में रिलीज होता। और ब्रिजभूषण जी डायरेक्टर बाड़े, पल्लवी जी प्रोड्यूसर ही, बड़ा अच्छा फिल्म बनल बापू, टोटली लव स्टोरी बा, अलग शेड बा, भोजपुरी में अलग देखे के मिली। तो बस क्या इस फिल्म में आप रोल कर रहे हैं, नजर आ गया? इस फिल्म में मैं फिलहाल तो मैं आप लोगों के सामने एज ए गेस्ट आया हूँ, मेरी शुभकामनाएँ हैं, और रतन सर से, रतन दास से मेरी बहुत पुराने रिलेशन है। नहीं तो बस इनका कॉल आया तो आना ही था। मेरे साथ बहुत जल्दी एक फिल्म करने वाले हैं आदित्य जी साथ में हम लोग, और इस फिल्म में हम देख रहे हैं अभी पूरा फाइनली कास्टिंग हुई नहीं है, बहुत सारी बाकी है। तो मैं किसी गेस्ट अपीयरेंस रोल में नजर आ जाऊं? ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है, आदित्य जी करेंगे तो बहुत बेहतरीन इसमें कोई रोल करेंगे। मेरी मतलब विजय पथ के टाइम से बहुत तारीफ करते रहते हैं, और शायद कुदरत का करिश्मा अब तक हमें मौका नहीं मिला है साथ काम करने का, पर उम्मीद है बहुत जल्द हम लोग काम करेंगे साथ में और एक इतिहास रचेंगे उस फिल्म से। जरूर, तो फिर से साम्राज्य की पूरी टीम को, रतन सर को, सब किसी को ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। साम्राज्य बहुत बड़ा टाइटल है
और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं रतन जी, रतन राहा जी, जिनके साथ मैंने ऑलरेडी 2 से 3 फिल्में की हैं। और पहले तो सबको, प्रोड्यूसर्स टीम को, डायरेक्टर को, पूरी स्टार कास्ट को मेरी बहुत बहुत बधाई। और साम्राज्य एक एक्शन, एंटरटेनिंग एक्शन फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, और इसमें जो विलेन है वो बहुत ही खूंखार विलेन है, जिसके लिए शायद इन लोगों ने मुझे लिया है, और अच्छी फिल्म बनेगी। साम्राज्य बहुत बड़ा टाइटल है अपने आप में। देखिए, आज बड़ा ही खुशी का दिन है। आज ट्रिनिटी स्टूडियो मुंबई में हमारी नई फिल्म साम्राज्य का शुभ मुहूर्त हुआ है, जिसके प्रोड्यूसर है, निर्माता है कमलेश चौरसिया और नीलेश सिंह, और जिसके निर्देशक है रतन राहा जी। फिल्म के एक्टर तो आपके सामने दिख रहे हैं, प्रियंका पंडित, रानी चटर्जी, दीपक भाटिया और विशाल जी, संतोष बाबा। तो बड़ा अच्छा आज का माहौल है, काफ़ी अच्छे गाने हैं। सिंगिंग में इंदु सोनाली जी आई हुई हैं गाने के लिए, अलका जी भी गायिका हैं, ये भी आई हुई हैं। तो काफ़ी अच्छे लोग, सब बड़े लोग आए हुए हैं। आज पूरा इंडस्ट्री यहाँ पे खचाखच भरा है। कहानी साम्राज्य जो है, थोड़ा 3 भाइयों की कहानी है। 3 भाई में एक भाई विदेश जाता है, छोटा वाला एक नौकरी करता है और एक घर पर रहता है। तो यही है कि बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे गाने हैं, सब अलग अलग हट के गाने हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो दामोदर जी को बहुत बहुत बधाई है इस फिल्म के लिए, और गॉड ब्लेस ये फिल्म आपकी सुपर सुपर हिट हो। और उसके पहले आपकी बेटी की शादी हुई, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। भले मुझे थोड़ा सा पार्टी नहीं मिली है, भी पार्टी ज़रूरी है, हाँ, लेकिन बिना लिए तो मैं मानूंगी भी नहीं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, सभी। ये फिल्म बहुत अच्छी बने और मेरा भी सॉन्ग उसमें रहेगा, मुझे पता है। तो इसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस है मेरी इस फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। अभी हाँ, अभी तो पता नहीं, अभी तो मुहूर्त है आज, और उसके लिए मैं आई हूँ। और अभी पहले गाने से स्टार्टिंग होगी, और बहुत सबको मैं बधाई देना चाहूँगी इस फिल्म के, जो भी हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और हमेशा हर फिल्म की तरह साम्राज्य फिल्म भी काफ़ी हिट हो, और सभी गाने अच्छे बने और सबको पसंद आए। वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो देख लो वैलेंटाइन डे के खुशी देखो इनके चेहरे पे। मुझे अच्छा, वैसे वैलेंटाइन डे मैंने मुंबई आके जाना कि वैलेंटाइन डे होता क्या है, तो इसलिए उसके लिए तो गाने तो सब वैलेंटाइन डे पे ही बजता है, क्योंकि सब गाने ज़्यादातर रोमांटिक मैंने गाया है हीरो हीरोइन के लिए। तो चलिए, आज वैलेंटाइन डे के शुभ पे का गाना अच्छा सा हो जाना चाहिए। जैसा कि अभी एक अलग सा लहर है, और मेरे गाने लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो गाऊँगी। सावरे सुरतिया मोहनी मुरतिया, बड़ा निक लागे उनकर मीठी मीठी बतिया, मुस्कि पे राजा के लोबा गईनी, जैसन सोचले रही हम वैसन, सोचले रही हम वैसन, सखी रे वर पा गईनी। इंदु जी, बात करें जो कि आज ये फिल्म रिलीज हुई है, सरकार राज पूरा भारत में बड़े अच्छे से, उसमें आपके भी कई गाने हैं जो बड़े पसंद किए जा रहे हैं, दो लाइन बोल जाए ऐसे, वो कुछ लाइन है ऐसे बोल देते। हाँ, आज सरकार राज फिल्म रिलीज हुई है, और मैं उस फिल्म के पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी। और हर फिल्म में मेरे गाने होते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब फिल्म हिट होती है, गाने लोगों को पसंद आते हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जिस तरह सभी जानते हैं कि मुझे फिल्मों के माध्यम से एक पहचान मिली है मुझे, जो मैं भोजपुरी के लिए को अपने तरफ से एक एहसानमंद हूँ, भोजपुरियों का, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का। सारे लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उस लायक समझा, जो मैं आज फिल्मों के माध्यम से जानी जाती हूँ।
तो सरकार राज भी फिल्म काफ़ी हिट हो, खूब हिट हो, और मैंने उसमें गाया गईल चार पैग अंदर तब बन गैला सिकंदर, गईल चार पैग अंदर तब बन गैला सिकंदर, बहुत अच्छा गाना है।